शिवरात्रि के मौके पर भवनाथपुर में एक खास मेले का आयोजन, जिसे देखकर रह जाएंगे हैरान। भवनाथपुर से ओस्तास अंसारी की रिपोर्ट। जिले के भवनाथपुर प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर सरसैया गांव स्थित भवनाथपुर चूना पत्थर खदान समूह के समीप शिव पहाड़ी गुफा है। इस गुफा में प्रवेश के लिए पहाड़ की ऊपरी चोटी से 1 फीट डायमीटर का एक होल बना हुआ है। इस होल से एक बार में एक ही व्यक्ति गुफा में प्रवेश कर सकता है। गुफा में प्रवेश के बाद आप पहाड़ी के तलहटी में करीब 150 फीट नीचे पहुंच जाते हैं। बाहर से ऊपरी तरह ठोस दिखने वाला यह पहाड़ अंदर से एकदम खोखला है, जो गुफा का रूप ले लिया है। शिव पहाड़ी की गुफा के बीच में स्वतः निर्मित भगवान भोलेनाथ का लिंग है। यहाँ महाशिवरात्रि को 2 दिन का मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा के कारण आज तक जिला मुख्यालय के लोग भी इसके संबंध में बहुत अधिक नहीं जानते। शिवपहाड़ी गुफा पर्यटन विभाग की नजरों से ओझल है। विभाग की नजर इस अद्भुत गुफा पर पड़े तो भवनाथपुर का यह विचित्र ऐतिहासिक गुफा मानचित्र पर भी आ सकता है। विशाल चट्टानों को एक दूसरे पर टिके होने के कारण अंदर में गुफा का रास्ता कभी संकरी तो कभी गलीनुमा होते करीब 150 फीट तक जाता है। दूसरी ओर कड़िया बाबा धाम पर भी मेला पूरी जोरों शोर से लगा है, जिसमें भवनाथपुर जिला पार्षद प्रत्याशी सुशील कुमार चौबे ने बढ़ चढ़ कर सहयोग धनराशि और जलमीनार कड़िया बाबा धाम पर लगाने का ऐलान किया। मौके पर मौजूद भवनाथपुर पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई। थाना प्रभारी सतीश कुमार महतो, SI कुंदन कुमार यादव, अन्य पुलिस बल तैनात रहा। शिवरात्रि के त्यौहार पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग कड़िया बाबा पर कभी नहीं आए थे, जबकि भवनाथपुर में ही हम लोग रहते हैं। लेकिन प्रदीप यादव के सहयोग से हम लोगों को बोला गया कि कड़िया राज बाबा पर बहुत बड़ा मेला लगता है शिवरात्रि के दिन, और यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग कड़िया राज बाबा पर आने के लिए वहाँ से उतर कर यहाँ आए, देखे कि आदमी लोगों का भीड़ लगा हुआ है, चल भी रहा है, और यहाँ बहुत बड़ा आस्था के साथ लोग सुबह सुबह से शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए आए हैं। और हम लोग एक चीज़ अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अभी मान लीजिए चुनाव आल गाल ये सब चल रहा है। लेकिन हम लोग इतना जरूर कहेंगे कि अगर ये हम लोगों को शंकर जी और कड़िया बाबा सहयोग किए तो हम लोग यहाँ एक जल मीनार भी देंगे, और दूसरा नंबर में कि रोड बनाने का भी पहला नंबर में 30 दिन के अंदर काम करेंगे, ये मेरा वादा है। जल मीनार मैं अपने पैसे से लगाऊंगा, कोई फंड की जरूरत नहीं है, और मंदिर में भी मैं योगदान बढ़ चढ़ कर दूंगा। ये हम लोग कहकर जा रहे हैं, वो काम पूरा करेंगे। धन्यवाद।